26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और जस्टिस याहिया आफरीदी के नया चीफ जस्टिस बन जाने के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं जिनका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं, लेकिन इमरान खान के हिमायती यूट्यूबर्स इन झूठे दावों को मुसलसल फैलाते चले जा रहे हैं। यूट्यूबर्स इमरान रियाज खान और कॉलम नवीस हारून रशीद समेत कई इमरानदार लोग ये दावा कर चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अपील दायर करने की फीस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस गैर मुसद्दिका और फेक इतला ने सैकड़ों सारिफिन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की और हजारों लोगों ने अपनी आरा का इजहार शुरू कर दिया है। एक सारिफ ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की फीस 10,000 के बजाय 10 लाख कर दी गई है, गोया अगर किसी बेगुनाह को हाई कोर्ट ने सजा सुना दी और इसके पास 10 लाख नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं कर सकता। एक दूसरे सारिफ गोया हुए के दुआ करें अल्लाह ताला अदालतों का मुंह ही ना दिखाए और सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ तस्वीरों में ही ठीक लगती है। एक्स पर एक और सारिफ ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के किसी फैसले को चैलेंज करने पर अब 10 लाख रुपए लगेंगे, ये वाहियात और सड़ा हुआ निजाम तब तक नहीं बदलेगा जब तक कौम मजाहमत नहीं करेगी। अगरचे सोशल मीडिया पर बात निजाम के खिलाफ मजाहमत तक पहुंच चुकी है मगर हकीकत यह है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। ख्याल रहे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कानून और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक मामलात और 26वीं आईनी तरमीम को जानने वाले बहुत से सहाफी और सारफीन इस नौयत के दावों की तरदीद करते और दीगर सारफीन को समझाते हुए नजर आए। चौधरी शाहिद महमूद नामी सारिफ ने तंजिया पोस्ट में लिखा कि कदी पढ़ भी लिया करो, उन्होंने इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना खबर करार दिया। 26वीं आईनी तरमीम के दस्तावेजात में 50,000 और 1 मिलियन यानी 10 लाख का जिक्र जरूर है लेकिन इसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली अपील की फीस से बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किए गए दस्तावेजात में आईन के आर्टिकल 185 में तरमीम की बात की गई थी और लिखा गया था कि आर्टिकल 185 की क्लास 2 के पैराग्राफ डी में 50,000 के अल्फाज को 1 मिलियन से तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तानी आईन का आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट की हुदूद के हवाले से है और वो दर्ज की गई मंजूर शुदा तरमीम को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि अदालत उज़्मा 10 लाख से कम मालियत के किसी भी दावे पर समाप्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील के साथ जमा करवाई जाने वाली फीस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए BBC को बताया कि अपील या पिटीशन अदालत की इंतजामी ब्रांच में दायर करने से कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 5,000 रुपए बतौर फीस जमा करवाने होते हैं, यानी अपील या केस दायर करने की सरकारी फीस 5,000 रुपए है। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस फीस की रसीद अपील की दस्तावेजात के साथ सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी ब्रांच में जमा होती है और वहीं से अपील पर आगे का अमल तय किया जाता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।